वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुक्तं वृंदावन मनोहर वाचाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृंदावई तुलसीदेवई पियावई केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीय पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगद्गुरुं धैयं सदा परिभवन्मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्जनुतं शरण्यं भीतात्विहं वनुतपालभवद्विभूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित गपिवधुस्वदर्शी पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदतो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानुजिपुरपति भजवीशनाथं बागीशजस्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
लब्धा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवन्ति मनस्समर्थदमनित्तमपि धीरः तूर्णं यतेत न पतेतमनुमेत्तु यावत् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतोषात् लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवन्ति मनुष्यमर्थतमनित्तमपीह धीरः तूर्णं यतेत न पतेत अनुमित्तु यावत् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतोषात् गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए हम लोग भगवान का सेवक, हम सब भगवान से सेवक है, इसीलिए भगवत सेवा करना ही एकांत जरूरी है। इसी में ही सारे मंगल का खजाना है। भगवत सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तमाम मंगल का खजाना है। माया का ये दो दिन का जो संसार है, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवन्ति, जो श्लोक दोहराया भागवत जी महापुराण का, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवन्ति, सुदुर्लभ मनुष्य जन्म है ये प्राप्त हुआ है अहोभाग्य से। अहोभाग्य से ये सुदुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। ये अर्थद है, अर्थद मीन मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब जीवन जिंदगी का सबसे बढ़कर जो मकसद है भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, भगवत सेवा, ये पूर्ति हो सकता मनुष्य जन्म में हो सकता। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवन्ति मनुष्यमर्थद मनित्वमपीह धीर, यद्यपि अनित्व है, जीवन जिंदगी ज़्यादा रहने वाला नहीं है, बहुत जल्दी हम चले जाएंगे जगत से, किसी का ऊपर कोई हमारा किसी का ऊपर कोई क्रोध नहीं है, किसी का ऊपर मेरा कोई गुस्सा नहीं है, अपना ऊपर है, क्योंकि भजन नहीं हो रहा है। माया संसार में प्रविष्ट होकर जीवन जिंदगी को गंवाना क्या दरकार है। भगवान का संसार, कृष्ण का संसार, भगवत भक्तों का जो कृष्ण लेके संसार है, इसी में प्रविष्ट होना जरूरी है। करता होना जरूरी नहीं है। प्रभुपाद जी ने कई बार बताए ये जगत के ऊपर, ये जगत का दृश्यमान जगत, ये दृश्यमान जगत के ऊपर आधिपत्य कंट्रोलिंग करने का जो दर्शन है, ये दृश्यमान जगत के ऊपर प्रभाव जमाने का जो दर्शन है, अधिकार जमाने का जो दर्शन है, मेरा बात सुने सब लोग, मेरा अधीन रहे, वो बात कहते हैं ये विचार लेके जो जगत, ये विचार लेके जगत दर्शन करने जाए, ये इसी किस्म का विचार लेके जब जगत दर्शन करने जाए, ये मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। अगर हम दुनिया का ऊपर आधिपत्य विस्तार करने का विचार लेकर जगत दर्शन करने जाए
ये मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाए। कर्तापन डुअरशिप इसको फेंक कर सेवक भाव लाना है जिंदगी में। प्रभुपाद कह रहे हैं शुद्ध भक्तों का सामने हरि कथा कीर्तन सुनने रहना, हरि कथा सुनते रहना, क्योंकि शुद्ध भक्तों का सामने हरि कथा सुनने का मतलब शुद्ध भक्तों का सामने हरि कथा सुनने का मतलब है अप्राकृत शब्दों गुण अप्राकृत शब्द ब्रह्मों का सहारा लेना। शुद्ध गुरु वैष्णव का प्रास विशुद्ध गुरु वैष्णव का साथ विशुद्ध गुरु वैष्णव का पास हरि कथा सुनने का मतलब है अप्राकृत शब्द ब्रह्मों का सहारा लेना। और अप्राकृत जगत में जाने का दूसरा कोई रास्ता है नहीं, केवल अप्राकृत शब्द ब्रह्मों का सहारा लेना यही एक रास्ता है। अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्मो ट्रांसेंडेंटल साउंड अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्मों का सहारा लिए बिना किसी भी हालत अप्राकृत जगत में प्रवेश होने का कोई रास्ता है नहीं। अगर विथ फुल अटेंशन पूर्ण मनोयोग के साथ पूर्ण अटेंशन के साथ अगर अप्राकृत जगत का वाणी शोभन करे गुरु वैष्णव का मुखारा बिंदु से समग्र विश्व को भगवान का सेवा का उपकरण आइटम समग्र विश्व को भगवत सेवा का उपकरण समझे तमाम दुनिया का अच्छा बुरा चीज़ है सब मेरा सेवा करे मेरा भोगने का सामान ऐसा विचार ना बनाए ये विनती है। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा करके अगर जगत दर्शन करे अनर्गल हरिकथा सुनते रहे ये बाधा रहा आप अप्राकृत जगत का विषय में जानकारी प्राप्त करोगे भक्ति प्राप्त करोगे आपका कोई दुख अभिमान नहीं बचेगा। गुरु वैष्णव कभी कभी ऐसा भी करता है आचरण ऐसा बातें करते हैं जैसे दूसरे का थोड़ा गुस्सा हो जाए अभिमान हो जाए हृदय में ठेस पहुँचे धक्का लगे। क्यों करते हैं कि परीक्षा करते रहते हैं कि इसका अंदर में अभिमान है कि नहीं। अगर अभिमान है तो दुख लगे या धक्का लगे इच्छा करके गुरु वैष्णव ऐसा करते रहते हैं कभी कभी उपेक्षा करते रहते हैं कभी कभी कड़ा बात बोलते हैं इसमें परीक्षा हो जाता है कि गुरु वैष्णव के लिए मेरा कितना आस्था है विश्वास है। गुरु वैष्णव का अंदर में कभी भी पर्सनैलिटी नहीं रहता अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अवस्था के अनुसार जो भक्ति का अनुकूल है वही विचार को अपनाते हैं। प्रभुपाद कहते रहते हैं प्रभुपाद कहते हैं आप लोग अगर भगवत कथा में मन संयोग करे अटेंशन दे आप लोग अगर सब भगवान का कथा में मनोसंयोग अटेंशन दे भगवान कहते हैं जो व्यक्ति उग्र श्रवा मतलब सुतोदेव गोस्वामी का पिताजी उग्र श्रवा रोमहर्षण उग्र श्रवा इसका नाम ही है उग्र श्रवा मतलब ये हरि कथा सुनने के लिए एकदम बेचैनी है हर वक्त और अगर सुनने का अवसर मिलता है तो एकदम फुल अटेंशन मानो कि लगता है तमाम इंद्रियोग्राम टुगेदर विथ माइंड एक जगह पर पहुंच गया फुल अटेंशन लगा रहा है
उग्रो सभा मतलब उग्र मतलब विथ फुल अटेंशन श्रोवण करना, उग्र श्रोभा, श्रोभा मतलब श्रोवण करना, जिसका अंदर में ऐसा पावर है हरि कथा कीर्तन को गुरु वैष्णव का मुखारविंद से निकालने का साथ साथ फुल पावर के साथ फुल अटेंशन के साथ उसको डाइजेस्ट करता है, ग्रहण करता है, उसका नाम उग्र श्रोभा। भगवान कहते हैं जो लोग उत्कर्ण हैं भगवान का कथा श्रवण करने के लिए फुल अटेंशन लगाते रहते हैं, भगवान कहते हैं हे बद्ध जीव, हे बद्ध जीव, तुम अनादि बहिर्मुख हो। मैं जानता हूँ बद्ध जीव का, मैं जानता हूँ बद्ध जीव का बंधन दशा जो है ये अनादि काल से है, अनादि बहिर्मुख है। भगवान कहते हैं हे बद्ध जीव तुम अनादि बहिर्मुख हो, ये मेरे मैं जानता हूँ, फिर भी तुम्हारा अंतर्मुख धर्मों अर्थात तुम बहिर्मुख धर्मों को छोड़कर अंतर्मुखी होना तुम्हारा लिए कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि ये जो धर्म है ये तुम्हारा अंदर में सतह प्रवृत्त है। अर्थात तुम बहिर्मुख होने से भी मैं जानता हूँ तुम अनादिकाल से बहिर्मुख हो, फिर भी तुम्हारा अंदर में अंतर्मुखी धर्मों भी तुम्हारा अंदर में है, क्योंकि तुम ततस्था जीव हो ना, तुम्हारा अंदर में अंतर्मुखी धर्मों भी विराजमान है, लेकिन ये खो गया, ये खो गया, तुमको समझ में नहीं है कि तुम्हारा अंदर में जो अंतर्मुखी धर्म है भगवान का और जो अटेंशन है तुम्हारा अंदर स्वतः प्रवृत्त है। तुम मेरा सेवा कर सकते थे, ऐसा नहीं कि सेवा करना तुम्हारा फर्ज नहीं है, तुम्हारा फर्ज सेवा करना है, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप है मेरा दास, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तुम अच्छी तरीका से मेरा सेवा कर सकते थे, किंतु सेवा किए बिना, लेकिन तुम सेवा बंद कर दिया, सेवा किया नहीं, और उल्टा मेरे से सेवा मांगते हो। भगवान कहते हैं तुम हमारा सेवा करने का काबिल थे, अच्छा तरीका से कर सकते थे, लेकिन ये सेवा नहीं किए तुमने, तुमने ये सेवा नहीं किया और उल्टा मेरे से सेवा मांगते हो, भगवान मेरे को ये दे दो, ये दे दो, ये हमारा शादी करा दो, इस जगह नौकरी चाकरी दे दो, ये सब तुम मेरे से मांग रहे हो, अर्थात मेरे को नौकर, मेरे को नौकर बनाने का कोशिश कर रहे हो। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, भगवान हमारा जितना सारे मांगे हैं, हमारा जितना सारे मांगे हैं ये गुरु विष्णु भगवान पूर्ति कर सकते, लेकिन ये कृपा नहीं है। बद्ध जीव का अंदर में जितना सारे मांगे हैं, जितना सारे मांगे हैं एक एक करके सारे मांगे पूरी कर दे, ये कृपा का लक्षण नहीं है। भगवान हमारा आकर्षण का वस्तु, जितना सारे आकर्षण का वस्तु, आकर्षण विकर्षण का जितना सारे वस्तु है सारे हमारा, हमारा हमारा पत्नी, हमारा बच्चा, हमारा सब कुछ, हमारा पैसा, हमारा रोजी रोज, सारे अटेंशन का विषय है, बहुत सारे गंदा आदत भी है। भगवान अगर कृपा करके मेरे से ये सब छीन लें, जिंदगी में देखा गुरुजी का सामने आते थे एक धनी व्यक्ति, बालीगंज में रहते थे, बालीगंज में रहते थे सुंदर कृष्ण प्रभु, बड़ा पैसा वाले, गुरुजी के पास आते थे कभी कभी, मठ में दर्शन करते, गुरुजी का साथ दर्शन भी हो जाते, लेकिन हरिभजन का बारे में सोचा ही नहीं कभी, हरिभजन करना जरूरी है, कभी सोचा नहीं। एक लड़का एक लड़की, लड़की इतना प्यारी है, बाप रे बाप,
अजामिल जैसे, अजामिल का नारायण जैसा छोटा लड़का इतना प्यारी है, बाप रे बाप, दिन भर। और ये लड़की 8 साल का उम्र में गुजर गई, और सपने में भी सोचा नहीं कि ये लड़की गुजर जाएगी। जाने का बाद दिमाग हिल गया, आसमान टूट पड़ा, और सोचने लगे, रोने लगे पागल का माफिक। और फिर गुरुजी के पास जो आया दोबारा, ये आना सही आना हुआ। पहले आता था कैजुअली, चलो 10 रुपया प्रणाम ही दे दे, 50 रुपया पर, यही साधु दर्शन है। लेकिन अब जो धक्का लगने का बाद आया, फूट फूट के रोए, और गुरुजी ने भगवत वाणी बताई। इसका बाद थोड़ा समझ में आए कि तत्व ज्ञान क्या चीज़ है। फिर हरिनाम दीक्षा लेने का बाद थोड़ा बहुत भजन करने का कोशिश किए। ये समझाई नहीं, ये भगवान का कृपा है। ये लड़की को हमारा गोद से, गोदी से लेके चला गया भगवान, ये मेरे लिए कृपा है। लेकिन आदमी अक्सर, तमाम आदमी अक्सर उल्टा समझते हैं, मेरा गोदी से बच्चा को लेके गया, क्या कैसा भगवान है, तब ये भगवान का भजन नहीं करेंगे। भगवान हमारा आदेश को पालन करे, हमारा जितना सर्वे फरमाइश है पूरा करे, तो भगवान है। ऐसा विचार लेके बद्ध जीव का जिंदगी, जीवन जिंदगी उल्टा रास्ता में जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे अंदर में जब भी तुम अनादिकाल से बहिर्मुख हो, लेकिन ये समझ के रखना कि तुम्हारा अंदर में अंतर्मुखी धर्म भी उपस्थित है। आ ये अंतर्मुखी धर्मों का वजह कारण सहारे में, ये अंतर्मुखी धर्मों का सहारा लेकर तुम मेरा सेवा कर सकते थे, लेकिन तुमने ये किया नहीं, उल्टा मेरे से सेवा मांगा। तुम हमको भूल कर, तो हम तुम हमको भूल गया, तुम हमको भूल गया कि हम मालिक है। तुम ये भूल गया, तुम ये भूल गया कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तो मेरा चाकर हो, नौकर हो, सेवक हो, उल्टा मेरे को सेवक बनाने का कोशिश कर रहे, ये विचार सही नहीं है। एकमात्र भगवान हरि परात्पर अखिलेश्वर भगवान छोड़कर, एकमात्र परात्पर अखिलेश्वर भगवान हरि छोड़कर, अनंत ब्रह्मांड में सब इनके सेवक है, सब इनके सेवक है, कोई गुरु नहीं, कोई, सब इनके सेवक है, कोई भगवान नहीं है। हरि कथा श्रवण करना जरूरी है, पहले भी कह चुके हजारों बार, विथ फुल अटेंशन। हरि कीर्तन कारी मतलब जो सोर्स का ऊपर डिपेंड करे हरि कथा सुनने के लिए, ये सही होना चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। हरि कथा कीर्तन कारी एक गुरु है, अपरा की तो साउंड बॉक्स है, और जो श्रवण करते रहते हैं गुरु वैष्णव का मुखारविंद से, वो शिष्य बराबर है। ये शिष्य का बराबर है, तत् शिष्य है। और विथ फुल सबमिशन श्रवणकारी अर्थात श्रोता, श्रवणकारी अर्थात श्रोता विथ फुल सबमिशन श्रवण ना करे, तो ये हरिकथा श्रवण सही नहीं होगी। हरिकथा सुनने के लिए फुल अटेंशन होनी चाहिए, आकर्षण होनी चाहिए। जिस दिन हरिकथा सुनने का अवसर नहीं मिला होगा,
ये सोचनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए बैड डेज है, ये मेरे लिए सबसे खतरा दिन है, ये मेरे लिए सबसे खतरा दिन है, आज हरिकथा सुनने का अवसर नहीं मिला, एक दिन खाना नहीं, एक दिन रोटी पानी नहीं मिला, जो एक दिन रोटी पानी नहीं मिला तो आंदोलन शुरू हो जाएगा। लेकिन हरिकथा सुनने के लिए कोई आंदोलन नहीं है, हमको हरिकथा चाहिए, हरिकथा सुनना चाहिए, तमाम दुनिया उल्टा रास्ता पर दौड़ रहा है, जो भी है जिसका जितना कृपा, जिसका हृदय में जितना कृपा का संचारण हुआ उतना परिमाण में ये पॉजिटिव मूड को प्रकाश करे। कृपा कोई आसान बात नहीं है। अगले दिन चर्चा किया गीता का चतुर्दश अध्याय का, ये 20 नंबर श्लोक का चर्चा होके छोड़ दिया था। ये 20 नंबर श्लोक में भगवान बताए, अर्जुन देखो, गुणानो एतानो अतित्व त्रिनो देही देहो समत भवानो जन्म मृत्यु जरा दुक्षैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। हे देहधारी जीव, ये देहो विशिष्ट, ये देहो धारण करने वाले जीव, याद रखना ये तुम्हारा जो शरीर है ये कैसे प्राप्त हुआ है। देहो समुद भवानो, कौन कारण है, बजे त्रिगुण, तुम्हारा जो मनुष्य जन्मो और किसी का किसी भी जन्म हुआ, बंदर हुआ, भालू हुआ, किसी भाई कुछ जन्म हुआ, ये जन्म त्रिगुण का शतरजतम गुण, ये त्रिगुण का प्रकृति का त्रिगुण का प्रभाव के अनुसार, कई बार चर्चा कर चुके हैं। देहोधारी देही देहो समत भवानो, मतलब श्लोक में कहते हैं गुणानो एतानो अतित्तो त्रिनो देही समत भवानो। देही मतलब आत्मा, जीवात्मा जो देही है, जो देहो धारण किए है, देहो जो शरीर धारण किए है, ये शरीर का मालिक कौन है, देही अर्थात आत्मा। और ये देही जो है, इसका ये मोटा शरीर क्या दरकार था, किंतु मैंने सुना है बार बार, ये चिन्मय चिदात्मा, आत्मा जो है चिन्मय, जीवात्मा चिन्मय है, तो देही देहो समुद भवानो, देहो समुद भवानो, ये शरीर देहो समुद भवानो मतलब देहो समुद भवह परिणामो जेसाम तानो देहोत्पत्ति बीज भूतानी इति अर्थो। श्रीधर स्वामी पाद जी ने बताए ये शरीर धारण करने का जो गुप्त रहस्य है, बीज है, ये त्रिगुण है। श्रीधर स्वामी पाद जी ने लिखा देहो समुद भवानो, इसका अर्थ लिखा, टीका लिखा, टिप्पणी इसमें लिखे हैं, देहो समुद भवानो मतलब देहो समुद भवह परिणामो जेसाम तानो देहत्पत्ति बीज भूतान इति अर्थ। हमारा शरीर का कारण क्या है, ये शरीर तो 2 दिन का है, कोई जरूरत नहीं था, बोला हाँ जरूरी था, लेकिन इसका कारण कौन है, मूल कारण कौन है, ये जीव देहोत्पत्ति, ए बद्ध जीव, इनके देहोत्पत्ति कारणभूत ये त्रिगुण,
सतरजतम गुम, कोई जीवात्मा अगर अतिक्रम कर सके, करके अतिक्रम कर सके तो करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों से विमुक्त होकर अमृतत्व अर्थात मोक्ष को लाभ प्राप्त करता है। आगे चलकर व्याख्या करेंगे ये अमृतत्व, इसका वास्तविक व्याख्या भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत जी महापुराण में दशम स्कंद में बताए, मई भक्ति ही भूतानम अमृतत्वाय फलपति। भक्ति छोड़कर अमृत बोल के किसी का नो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता। भक्ति एकमात्र भक्ति को ही अमृत माना गया, भक्ति अविनाशी, भक्ति का प्रभाव बद्ध जीव के अंदर धीरे धीरे पड़ सकता गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा, इसका व्याख्या भी की है। बद्ध जीव के अंदर में भगवत कृपा मतलब भगवत भक्ति आ सकती है मरु ग्रेजुअली, उसका प्रोसीजर भी बता चुका पहले। सो जीव और जो जीवात्मा इस इनके जो देहोत्पत्ति कारणभूतो ये त्रिगुण को अगर अतिक्रम करे करके जरा मृत्यु जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों से विमुक्त होकर अमृतत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता, ये ध्यान से समझना। जब भी ये शरीर का साथ मेरा आत्मा का कोई ताल्लुका है नहीं, लेकिन प्रीवियस कर्मफल अर्थात त्रिगुण का प्रभाव के द्वारा जो सूक्ष्म शरीर ये कारण शरीर बनके मेरे को देहो धारण करने में मजबूर कर दी, ये जो कारण शरीर है, कारण शरीर मतलब जो ये शरीर धारण करने के लिए मेरे को मजबूर कर दिए, ये कारण शरीर है सूक्ष्म शरीर, ये त्रिगुण का प्रभाव से ही बना हुआ है। गुणानु एतानु अतित्तो त्रिनो देही देहो समत भवानु जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतम मश्नुते, अमृत प्राप्त कर सकता। इसका बारे में आगे चलकर विश्वनाथ चकोतिबा आदि महानुभवों का जो विख्या बलदेव भी तो क्या बता भक्ति में ठाकुर जी ने, या हम विचार करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्का है, जड़ बंधन में रहते समय बद्ध जीवों का जो पेनफुल सिचुएशन है, जड़ बंधन में रहते समय बद्ध जीवों का जो पेनफुल सिचुएशन है, ये देखकर शुद्ध गुरु वैष्णव और ऊपर भूर भुव स्व महो यनो तप सत्व लोक कर्म महाजन जो सब ये सब ऋषि मुनि ये सब रोते रहते हैं, ये हालत कैसा है, खमाखा रो रहा है, खमाखा गुस्सा कर रहा है, कोई कारण नहीं है, ऐसा करके जीवन जिंदगी को गंवा रहे हैं। पापा जी ने बताए ये दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ने के लिए बिल्कुल कोई तैयार नहीं है, हरि भजन करने के लिए तो भागा दूरी करते हैं, लेकिन ये दिखावा है, किसी का अंदर में चाहत नहीं है कि दो दिन का जिंदगी में मेरे को हरि भजन करना जरूरी है, बिना हरि भजन ये जीवन जिंदगी का बिना हरिभजन ये जीवन जिंदगी बेकार जाएगा, लेकिन किसी का अंदर में ये इच्छा नहीं पैदा होती जे ये जगत में मेरा जो अटेंशन है,
जितना सारे आकर्षण और विकर्षण का वस्तु है जिसमें उलझे हुए हैं जीव, बंधन में है, ये संसार का आकर्षण से छुटकारा नहीं मिलने से हरिभजन करना, मतलब हरिभजन शुरू करना संभव ही नहीं है। आकर्षण विकर्षण का जो टैग एंड वेयर चल रहा है जीवन जिंदगी में, इसे जब तक रेहा न मिल जाए, उद्धार न मिल जाए, तब तक ये जड़ संसार का तरह तरह का विषय जो है हमको बंधन में डाल के रखेंगे। प्रभुपाद एक मिसाल देते थे, प्रभुपाद कहते थे एक बारात है, प्रभुपाद कहते थे एक बारात पार्टी जो है वो शादी करने के लिए करवाने के लिए लड़का को किसी आदमी ने एक बड़ा सा एक बोट हायर किया और रात को 2-2:30 बजे शादी का लगन है, मतलब नक्षत्रों का स्टार पोजीशन है, रात को 2 कितना बजे शादी शुरुआत, इसलिए रात को 10-11 बजे शुरू कर दी। बोट में सारे बैठ गए और थका हारा था सारे, और सारे उठकर वो लोग थोड़ा आए सारा में, क्योंकि रात को ऐसे ही नींद नहीं होने वाला, कैसे होगा 2-2:30 बजे तो शुरू होना, 2:30 बजे तो, इसलिए 10 बजे शुरू हो तो थोड़ा लेट लिया करो, सब लेट गया। और जो मजदार है, माझी है, बोटमैन है, वो अपना हाल को और ए और 8 आदमी चक्कू चलाते रहे पानी में, सब नशे में था, भांग का नशा, सब कोई का भांग का नशा चढ़ा हुआ था, और किसी ने अंधेरा में ध्यान नहीं दी। पापा जी कह रहे हैं ये लोग चक्का चक्कू चलाते रहे 8 आदमी, 4 इधर 4 उधर, और जो हाल जोत के, हाल मतलब जो डायरेक्शन दिखाते हैं उसको, वो जो डिवाइस है उसको पकड़ के रखे जैसे सही रास्ता भी चले। ऐसा करते करते क्या हुआ, चलते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया जे ये कहाँ जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, कुछ किसी का कोई ध्यान नहीं, वो सो गया, सोचा कि जगह है तो जगेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट ले, क्योंकि ऐसे ही थका रहा था। और जब अरुणोदय का समय हो गया तो किसी ने आंखें खोला तो देखिए क्या बात है, ये तो अरुणोदय का समय हो गया, हल्ला गुल्ला शुरू हो गया, और हल्ला गुल्ला से है ना जो बारात का जो पार्टी है वो भी जग गया सारे, देखे थे क्या बात है, अरे ये तो सुबह हो गया, पहुंचा नहीं है महाराजा, हमको तो पहुंचना था 2 बजे का पहले। उसमें से एक बूढ़ा बाबा गाली गलाज चल रहे हैं बदमाश हैं, हमका सत्यानाश कर दिया, लाखों रुपया का बर्बाद कर दिया, ध्यान नहीं दिया किसी ने, ये बोट का जो एंकर है अर्थात बोट को जहां लगा के रखा था, सारा दिन तो परिश्रम किया, सब कुछ किया, सारा रात जग के, लेकिन वो जो जहां ये किश्ती जो है, वो जो बोट है जहां बंधा हुआ था पहले, उसको उठाया नहीं, इसीलिए बोर्ड जो है सारे के सारे अपना परिश्रम जो है बेकार गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब सोचा कि चल रहा, बहुत अंधेरा था, बहुत एकदम सन्नाटा,
कहने का मतलब है, प्रभुपाद कह रहे हैं इस उदाहरण के द्वारा हर आदमी माया में उलझे हुए हैं। अगर किसी ने दिखावा भजन का बातें करते रहते हैं वो भी माया में ही है, किसी का ध्यान नहीं है। ये जड़ जगत में अगर मेरा अटेंशन है, मेरा खिंचावट है, जब तक मेरा जड़ जगत में अटेंशन है, खिंचावट है, तब तक हरि भजन शुरू करना नामुमकिन है, संभव नहीं। प्रभुपाद कहने का मतलब है ये बारात का सारे पैसा बर्बाद हो गया, लड़की जो है ये भी बेकार हो गई, क्योंकि लग्न भ्रष्टा, लड़की लग्न भ्रष्टा, लग्न मतलब जो तिथि है उससे भी अगर ना पहुँचे शादी न भाई, ये इसका साथ शादी करना बहुत मुश्किल इनके, सो ऐसा करके सारे लंड वंड हो गया, सारे गड़बड़ हो गया, पूरा आसमान टूट पड़ा बड़ा, है ना, क्योंकि जो शादी कराने जा रहे कितना खर्चा है, सारे गया, कुछ नहीं हो पाए। श्रील प्रभुपाद इस उदाहरण के द्वारा बार बार कहना चाहे, हजारों किस्म का भजन का एक्टिंग करके, साधन भजन का जो बहाना है ये बहाना करके, फिर मन ही मन अंदर में ये जड़ संसार का साथ आकर्षण जोर के रखना ये असंभव है। ये अगर करे तो हरि भजन इसके लिए संभव नहीं। जब तक है मेरा आसक्ति, जब तक मेरा आसक्ति, मेरा खिंचावट इस जड़ संसार में है, तब तक हरि भजन शुरुआत नहीं हो सकता। अनर्थ युक्त जीव, अनर्थ युक्त जीव, बद्ध जीव, इतना हिम्मत है वो दिखाते हैं मैं हरि भजन करता हूं, नाटकबाजी, लेकिन वास्तविक ये जड़ संसार का साथ संबंध जोड़ के रखे हैं, तब तक हरि भजन का बहाना बना के बहुत कुछ भी कर लो, भागा दौड़ी, हरिकथा श्रवण करते रहो। हरिकथा श्रवण का मतलब अनर्थों को दूर करना, नाटक का मापी हरिकथा सुनने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करके प्रभुपाद जी ने बताए बद्ध जीवों के लिए हरि भजन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी संभव है, क्योंकि ये स्वाभाविक वृत्ति है। बद्ध जीवों के लिए हरि भजन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मानो कि बद्ध जीवों के लिए हरि भजन कम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन स्वभाव का विचार करो अंदर का, स्वस्वरूप का, बद्ध जीव के लिए हरि भजन एक स्वाभाविक चीज है। बद्ध जीवों के लिए हरि भजन इट इज क्वाइट नेचुरल, लेकिन हो नहीं रहा। क्यों? पहले भी उदाहरण दिया, एक मैग्नेट एक लोहा का टुकड़ा को आकर्षण कर सकता, लेकिन कर नहीं रहा, क्या कारण है? भैया मैग्नेट का स्वाभाविक स्वतः वृत्ति है कि आयरन को अपना ओर खींचे, लेकिन जो लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है उसका ऊपर फेरिक ऑक्साइड का Fe2 फेरिक ऑक्साइड का एक लेयर पर गया, मोटा लेयर, इतना मोटा लेयर पर गया जो मैग्नेटिक फील्ड उस तक पहुंचने में असमर्थ है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर ना पहुंचे तो लोहे का टुकड़ा को आकर्षण करना भी संभव नहीं। तो इसका लिए मैग्नेट जुमा नहीं है, इसका लिए जुम्मेदारी है लोहे का टुकड़ा जिसको ऊपर फेरिक ऑक्साइड का लेयर गिरा हुआ है, इसीलिए मैग्नेट जो है उसको आकर्षण करने में समर्थ नहीं हो पाते, अर्थात लोहे का टुकड़ो आकर्षित होना नहीं चाहता। इतना तक सुनने के बाद
भक्ति विनोद ठाकुर का कहना चाहते ये थोड़ा दो शब्दों सुना दे शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर का क्या कहना चाहते हैं कि दो शब्द सुना दे। शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं देहधारी जीव देह विशिष्ट जीव निर्गुण निष्ठा के द्वारा भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है। शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है देहोदारी जीव हर हालत में निर्गुण निष्ठा के द्वारा सतो रजो और तमो ये तीन जो कि ये शरीर उत्पन्न करने का कारण है ये त्रिगुण को अतिक्रम करके इनके इन्फ्लुएंस का बाहर जाके प्रभाव का बाहर जाके सतो रजो तमो गुण का बाहर जाके जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों इससे विमुक्त होकर निर्गुण भूमिका में पहुंच सकता है। अभ्यास के द्वारा निर्गुण और निर्गुण प्रेम स्वरूप अमृत भोग कर सकता है जिसका बारे में शुरुआत में मैंने बोला भगवान श्री कृष्ण का कहना है मोई भक्ति ही भूतानम अमृतोताय कल्पते। भक्ति विनोद कहते ये त्रिगुण का प्रभाव का बाहर जाकर निर्गुण प्रेम रूप अमृतो भोग कर सकता है अर्थात प्रेम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है इसमें कोई शक नहीं है हो सकता आ रहा लेकिन करे तब सही रास्ता पे चले तब नहीं तो नहीं। अभी ये सब इतना तक सुनने का बाद अभी इतना तक सुनने के बाद अर्जुन का प्रश्न आया। अर्जुन का प्रश्न कैसा है इतना सुनने के बाद अर्जुन ने प्रश्न किए भगवान को जो क्वैर लिंगैर तीनों गुणानु एतानु अतीतो भवति प्रभु कीमाचारः कथम चैतांग स्त्रीनो गुणानो अतिवर्त थे। अर्जुन प्रश्न किए हैं किया है प्रश्न प्रश्न किया है भगवान को हे प्रभु ये जो तीन गुण हैं तीन गुण अतिक्रम ये तीन गुण का प्रभाव का अतिक्रमण करके कैसे जाता है क्या लक्षण है कैसे हम समझे कैसे हम समझे कि कोई आदमी कोई बंदा ये तीन गुण का बाहर जा पाया यही तीन गुण अतिक्रमकारी व्यक्ति क्या क्या सिम्टम के द्वारा जाना जा सकता है जो त्रिगुण का बाहर गया ऐसा व्यक्ति क्या क्या लक्षण के क्या क्या सिम्टम लक्षण के द्वारा जाना जा सकता है कैसे हम समझे कि कोई तीन गुण का बाहर गया कि नहीं और तीन गुण का बाहर जाने का बाद इसका आचरण कैसा रहता है हाउ ही बिहेव्स इसका आचरण कैसा रहता है कैसे कैसे बातें करते थे कैसे आचरण कैसा है और क्या तरीका है व्हाट इज द प्रोसीड्योर वट इज द प्रोसीड्योर क्या पद्धति है किस उपाय है जिसके द्वारा ये त्रिगुण का अतिक्रमण करके जा सकता है। ये तीनों क्वेश्चन भगवान श्री कृष्ण का सामने अर्जुन रख दिया। कितना सुंदर क्वेश्चन है क्वैर लिंगोइस तीनों अर्जुन वाच क्वैर लिंगोइस तीनों गुणानो एतानो अतीतो भवति प्रभु किम आचारः कथम चैतांग स्त्रीनो गुणानो अतिवर्तते कैसे त्रिगुण को अतिवर्त क्या प्रोसीड्योर है और त्रिगुण अतिक्रम क्रिया है इसका क्या लक्षण है क्या ढेर सारे लक्षण है और इसका आचरण बिहेवियर कैसा रहता है जिसको देख के पता चले ये त्रिगुण का बाहर गया हो गया
आपको याद दिलाना चाहूं मैं, आपको याद दिलाना चाहूं मैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है, ऐसा ही क्वेश्चन जो है, ये गीता का दूसरा अध्याय जो है, गीता का तो दूसरा अध्याय है जिसमें शरीर, ये जड़ शरीर का प्रभाव, जड़ शरीर का लक्षण 2 दिन का है, और कर्म में तुम्हारा आसक्ति है, कर्म बंधन स्वीकार मत करो, ये सब तारे द्वितीय स्कंद में बहुत तत्व ज्ञान के उपदेश किए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनो इत्यादि बहुत सारे चर्चा हुआ है। लेकिन ये इतना सारे सुनने का बाद भगवान ने बताया, जदाते जदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यातरिषति तदागंत्यासि निर्वेदम शतभ्यश्च श्रुति विप्रतिपन्या श्रुति विप्रतिपन्या ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। ये सब बारे में बहुत सारे योग का बहुत टेक्निक बताया भगवान द्वितीय स्कंद में। अब स्थितप्रज्ञ कौन है, कैसा है, इसका बारे में अर्जुन का हृदय में परिप्रश्न आए हुए। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित अधि किम प्रभाषेत किम आसित ब्रजत किम। याद है ना, भगवान गीता भगवद गीता में दूसरा अध्याय में आगे चलकर स्थितप्रज्ञ कौन है, गीता में आगे चलकर भगवान बता रहे हैं गीता में स्थितप्रज्ञ का क्या लक्षण है, गीता में स्थितप्रज्ञ का क्या लक्षण है। अर्जुन भगवान को पूछते रहे, क्वेश्चन किए, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, जो स्थितप्रज्ञ है अर्थात जिसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, इसका भाषा क्या, ऐसा बोलचाल, इसका बोलचाल कैसा है। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित अधि किम प्रभाषेत, हैं कैसे चलते हैं, कैसे क्या करते हैं, किम आसित ब्रजत किम। अर्जुन ने प्रश्न किया था द्वितीय अध्याय में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितोधि किं प्रभाषेत किम आसित ब्रजत किम। अर्जुन का प्रश्न है, केशव समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त स्थितबुद्धि व्यक्ति का लक्षण क्या है। समाधि में स्थित, समाधि में अवस्थित परमात्मा को प्राप्त किया, परमात्मा को प्राप्त स्थितबुद्धि का व्यक्ति का लक्षण क्या है, अतस्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है, स्थितोधि व्यक्ति कैसे इसका बोलचाल कैसा है, कैसे रहते रहन सहन, इसका रहन सहन कैसा है, कैसे चलते फिरते हैं, इसका बारे में अर्जुन प्रश्न किए। आपको याद दिलाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो ये बोलने का जरूरी नहीं था, क्योंकि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम। भगवान कहते हैं उत्तर में, प्रजोहाति प्रजोहाति जदा कामानो सर्वाणो पार्थो मनोगतानो। जब कोई आदमी अंदर का अंदर में जितना सारे काम का गंदगी है सारे फेंक, प्रजोहाति जहाति मतलब त्याग करना, अप्रो जो हाथी मतलब पुलकुल गंदगी ना रहे, प्रकृष्ट रूपे जहाती
सो भगवान का कहना है अर्जुन को, प्रोजहाति जदा, जिस समय में प्रकृष्ट रूप में अंतर से पूरी गंदगी तक छोड़ दिया, प्रोजहाति प्रोजहाति जदा कामानो सर्वाणो पार्थो मनोगतानो, मन तार मन का अंदर में जितना सारी ख्वाहिश है, चाहे थिकाव मैंने जितना खिंचावट सारे आशा शक्ति सारे फेंक दिया, और आत्मन्यवात्मन्या आत्मन्यवा आत्मना तुष्ट, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, हे अर्जुन समझना कि इसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। प्रजोहाति यदा कामानो सर्वाणो पार्थो मनोगतानो आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, तब इसको स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। मैं दो एक लक्षण देके फिर अपना जो चर्चा हो रहा है वहां वहां तक पहुंचने का कोशिश करूं। सेकंड भगवान ने बताया, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिया वितराग भय क्रोध स्थितोधीर मुनि रुच्यते। क्या बताए, जिसको दुख नहीं है, दुख अनुद्विग्न, कोई दुख का बार आया इसमें अनुद्विग्न, कोई उद्वेग नहीं है, टेंशन नहीं है, दुखेशु अनुद्विग्न मना, और सुख प्राप्ति करने के लिए कोई स्प्रिया नहीं है, सुखेशु विगत स्प्रिया, वितराग भय क्रोध, जिसका अंदर का कोई भय क्रोध लोभ कुछ नहीं है बच्चा, वितराग भय क्रोधो इसको स्थितोधीर मुनि रुच्यते, ऐसा भगवान बताए। मैंने ये बात को इसीलिए उठाया याद दिलाने के लिए, क्योंकि ये दूसरा उद्वाय में जैसा क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम, ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, इसीलिए मैंने उठाने का प्रयत्न किए। ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये भी, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी ये कह रहे हैं, एतावत इतना तक श्रवण करने का बाद अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो तीन गुण का अतीत भूमिका में है, उसका क्या लिंग है, सिम्टम क्या, चिन्ह क्या है, इसका आचरण क्या है, और कैसा साधन के द्वारा ये तीन गुण का प्रभाव, ये तीन गुण का प्रभाव से परे हो गया, अतिक्रम करके शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद जीवन, शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद जी ये चक्रवर्तीवाद एक टीका में लिखा, स्थित प्रज्ञस्य का लक्षण, स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है इत्यादि, द्वितीय अध्याय का जो श्लोक मैंने उठाया था इसको उठा के चर्चा की, कौन कौन सिम्टम क्या है, आचरण पहला प्रश्न है, ये लक्षण क्या है, क्या सिम्टम है, सेकंड क्वेश्चन आचरण क्या है, और तीसरा प्रश्न है ये गुणातीत प्राप्ति का साधन क्या है। साधन क्या है, एक अर्थ है तीनों का। आगे चलते हुए श्लोकों का व्याख्या ऐसा है, वर्तमान आगे चलते हुए इस श्लोकों का व्याख्या ऐसा है कि भगवान कह रहे हैं, वर्तमान श्लोकों में भगवान इतना तक कहने का बाद अर्जुन का ये प्रश्न आया है, वर्तमान श्लोकों में अर्जुन का गुणातीत व्यक्ति का महिमा, वर्तमान श्लोकों में अर्जुन गुणातीत व्यक्ति का महिमा श्रवण करके जो गुणातीत हो जाता है, इसका लक्षण क्या है, आचार कैसा है, कैसे करता है, ये ठीक एक जैसा क्वेश्चन है स्थित प्रज्ञ का भाषा इत्यादि
गीता का श्लोक को उठाया था। अभी इसका उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं, भगवान वाच प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न दृष्टि सं प्रवृत्तानि निवृत्तानि कंखति। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं प्रकाशंच प्रवृत्तिंच, प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न दृष्टि न सं प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कंखति उदासीन बदासीन गुणैर् ज न विचलते गुणा वर्तन्त इति एव जो अवतिष्ठति नेंगते सुख समो सुख दुख समो दुख सुख समो दुख सुख स्वास्थ समो लोष्ट लोष्टास्म कंचन। क्या बताया? समो दुख सुख स्वास्थ समो लोष्टास्म कंचन तुल्लो प्रिया प्रियो धीर स्तुल्य निंदात्मो संस्तुति मानपमानयो स्तुल्या स्तुल्या स्तुल्यो स्तुल्या मित्रा अरि पक्षयो मानपमानयो स्तुल्यो स्तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्वागी गुणातीत सौच्यते। क्या बताया? ध्यान से सुनो, भगवान का उत्तर है। भगवान क्या उत्तर दे रहे? भगवान कह रहे हैं कि प्रकाशंच प्रवृत्तंच मोहमेव च पांडव न दृष्टि संग प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनो बदासीनो गुणैर् जो यो न विचालते उदासीनो बदासीनो गुणैर् यो न विचालते गुणा वर्तन्तो इति एवं यो अवतिष्ठति नेयंगते गुणा वर्तन्तो इति एवं जो अवतिष्ठति नेयंगते नेयंगते समो दुख सुख स्वस्थ समोलोष्टास्म कांचन तुल्लो प्रिया प्रियो धीर स्तुल्यो निंदात्मो संस्तुति मानोपमानयो स्तुल्यो 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 मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्वागी गुणातीतः सौच्यते। भगवान कह रहे हैं कि पांडव भगवान कह रहे हैं कि हे पांडव जिन्हें प्रकाश प्रवृत्ति और मोह स्वभाव के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जो व्यक्ति प्रकाश प्रवृत्ति और मोह ये सारे उदय होने का बावजूद इसका कोई माथा पीछी नहीं है कुल ब्रेन विदाउट एनी इफेक्ट रह जाता है बिना कोई रिएक्शन। याद है प्रकाश प्रवृत्ति और मोह ये तीन शब्दों को व्यवहार किया किस लिए? याद है अगले दिन चर्चा किया
ये सतगुण का काम है प्रकाश करना, मतलब ज्ञान का प्रकाश होता है। तमाम इंद्रियोग्राम और मन में ज्ञान का प्रकाश वृत्ति आता है, ज्ञान का प्रकाश वृत्ति आता है। इसलिए प्रकाश उर सतरजतम नहीं बता के ये सतरजतम गुण का एक एक का क्या क्या प्रभाव है उसको उठाए। सतगुण का प्रभाव है प्रकाश, तमगुण रजगुण का प्रभाव प्रकाश, रजगुण का प्रभाव है प्रवृत्ति और तमगुण का प्रभाव है मोह, आसक्ति मोह, याद है ना। सो भगवान कह रहे हैं हे पांडव, जो व्यक्ति प्रकाश या तो प्रवृत्ति या तो मोह स्वभाव का अनुसार जो उदित होता है हृदय में, इसका लिए इनके अगर कोई विद्वेष नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है, और निवृत्ति होने के बाद भी कोई आकांक्षा नहीं बसता है, जो उदासीन मन के रहते हैं और ये सोचते रहते हैं मेरा शरीर प्राकृत जगत का है, मेटेरियल फाइव एलिमेंट्स का है, पांच भौतिक शरीर है, ये शरीर का ऊपर प्रकृति का प्रभाव त्रिगुण का प्रभाव असर चलेगा, लेकिन मैं अलग से रहूं, जो उदासीन है के रह जाते हैं, गुणत्रय सतरजतम गुण का अपना अपना क्रियाक्रम करते चले, इसमें जिस व्यक्ति का कोई घबराहट नहीं है, विचलित नहीं होते, ये त्रिगुण प्रकृति का प्रभाव के अनुसार अपना अपना काम करते रहते हैं, इसके साथ मेरा कोई ताल्लुकात है नहीं, त्रिगुण सौ सौ कार्यों करते रहते हैं, इसी विचार में अवस्थित रह के ये त्रिगुण का प्रभावित प्रभाव के द्वारा चंचलता बेचैनी हृदय में नहीं पैदा होना, इसके द्वारा चंचलता प्राप्त होते नहीं, बेचैनी नहीं पैदा होते। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में ही समान भाव को रखने वाले हैं, जो व्यक्ति का साथ पत्थर लोस्टो पोस्टर कांचन सोना चांदी कोई फर्क नहीं समझते हैं, समविष्टो लोस्टो पोस्टर कांचन तुल्य ज्ञान प्रियो अप्रियो प्रियो या अप्रियो दोनों में समभाव संपन्न, प्रियो होने से आनंद होता है, अप्रिय कुछ होने से दुखी होता है, ऐसा नहीं। कहने का मतलब है त्रिगुण अपना अपना काम करते रहते हैं, मेरा साथ कोई ताल्लुकात है नहीं, इसके द्वारा कभी चंचल नहीं होते, और जो सुख दुख समभाव विशिष्टो लोष्टो प्रस्थर एवं कांचन तुल्य ज्ञान युक्त है, प्रियो और अप्रियो दोनों विषय में समभावापन्न धीमान व्यक्ति है, अपना निंदा या तो प्रशंसा या तो मान या अपमान, शत्रु या मित्रों दोस्त दोनों पक्षों में इसका तुल्य भाव है, समान भाव दोनों तरफ में इसका समान भाव है, असो सर्व प्रकार का कर्मोद्यम एंटरप्रेन्योरशिप सर्व प्रकार का कर्मोद्यम परित्याग कर दिया है, वो गुणातीत हो गया, ऐसा भगवान ने उत्तर दिया। श्री सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर काफी विचार करके दिखाए
क्योंकि इतना विचार भक्तिविनोद ठाकुर जी ने दिखाए, क्योंकि गीता का तरह तरह का कमेंट्री आता है, किसका दिमाग कहाँ चल रहा है किसी को पता नहीं। सो यो भक्तिविनोद ठाकुर का विचार का समझे तो ऐसे ही समझ में आए सही ढंग से। अर्जुन का तीन प्रश्न है, तीन प्रश्न शोभन करके, अर्जुन का तीनों प्रश्न है, तीन प्रश्न शोभन करके भगवान ने उत्तर दिया। प्रथम प्रश्न क्या है, गुणातीत तो व्यक्ति का लक्षण क्या है, भगवान कह रहे इसका उत्तर है। भक्तिविनोद ठाकुर का कहना है, ये भगवान का ही अंतर का भाव भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे। भक्तिविनोद ठाकुर का विचार मतलब चैतन्य महाप्रभु का विचार इस उत्तर में दे रहे हैं। गुणातीत तो व्यक्ति का सिम्टम क्या है, इसका उत्तर दे रहा है भगवान। भगवान कह रहे देश रहित तो, भक्तिविनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना, मैं विचार करके बता रहा हूं। भगवान मानो की भक्तिविनोद ठाकुर का माध्यम भगवान कह रहे हैं जे ये जगत में गुणातीत व्यक्ति का लक्षण क्या है, इसका उत्तर दे रहा भगवान अर्थात भक्तिविनोद ठाकुर। देश रहित तो, किसी का साथ कोई विद्वेष नहीं है, इसका उत्तर ये है कौन त्रिगुण अतीत भूमिका में गया है। इसका पहला उत्तर है जिसका अंदर में कोई देश भाव नहीं है, आई बात समझ में, जिसका अंदर में कोई देश विद्वेष भाव नहीं है, वो आकांक्षा बोल के, आकांक्षा बोल के कोई चीज नहीं बचा, और आकांक्षा बोल के कोई चीज नहीं बचा, आकांक्षा रहित तो ये था लक्षण है, ऐसे समझे। बाकी विचार करने जाओ तो समझ में नहीं आया, वो विदेश रहित है किसी का ऊपर गुणातीत भूमिका में, देश रहित तो आकांक्षा नहीं है, कुछ बचा नहीं, ये सिम्टम है। त्रिगुणातीत भूमिका में गया कि नहीं गया ये सिम्टम है। बद्ध जीव, भक्तिमोट कह रहे हैं बद्ध जीव ये जड़ जगत में रहते समय, ध्यान दे के सुनना, भक्तिमोट कह रहे हैं, भक्तिमोट कह रहे हैं बद्ध जीव जड़ जगत में रहते समय जड़ प्रकृति का सतरज तमगुण तमगुण त्रयेर ये तीनों गुण का जो सागर है इसी में ही है, इसका बाहर नहीं जा सकता। देश रहित वाकांका रहित ही ये सिम्टम है। और अगर और ज्यादा समझना चाहो तो ये कहने के लिए मजबूर हो गया कि बद्ध जीव जड़ जगत में रहते समय जड़ प्रकृति का सतरज तमगुण का प्रभाव से मुक्त है, तमगुण त्रय, लेकिन फिर भी सतरज तमगुण का अंदर ही है, क्योंकि उसका शरीर छूटा नहीं, क्योंकि उसका शरीर छूटा नहीं अभी तक, तो चरम मुक्ति जो है वो भी लिंगो शरीर भंगो नहीं हुआ। लिंगो शरीर भंगो है आया अनायासे, मतलब इसका जो सटल बॉडी है फिर भी है इंटैक्ट, वो तोड़ना अभी संभव नहीं है, बाद में आगे चल के तोड़ो तो अच्छा है। बद्ध जीव जड़ जगते रहते समय बद्ध जीव जड़ जगत में रहते समय सतरजतमगुण का बिल्कुल उच्छेद काट के फेंक देना संभव नहीं है। सतरजतमगुण को काट के फेंक दे ये संभव नहीं है। क्या संभव है, कहने का मतलब है बद्ध जीव जड़ जगत में रहते समय जड़ प्रकृति का जो प्रभाव है सतरजतमगुण, ये गुणोत्रय का अंदर में ही है, संपूर्ण मुक्ति अर्थात लिंग भंग होने का बाद टोटल फ्री होने का संभावना है, बट बिफोर दैट संपूर्ण मुक्ति लाभ, संपूर्ण मुक्ति लाभ
लिंग भंग होए अनायसे, ये लिंग भिंग होए होने का बाद ही, ध्यान से सुनना, ये लिंग शरीर जो है, ये लिंग शरीर छूटने का बाद ये संभव है कि त्रिगुण का पूरा बाहर जाना। लेकिन आप त्रिगुण को काबू में रख सकता, सतरज तमगुण को काबू में रख सकता, लेकिन टोटली फ्री हो गया, एकदम जीरो हो नहीं सकता। संपूर्ण मुक्ति अर्थात लिंगो बहु लिंगो देहो भंग होने का बाद, उसके बाद त्रिगुण से त्रिगुण उच्छेद अर्थात त्रिगुण से टोटली रिहा हो जाना संभव है, उसका पहले टोटली संभव नहीं है। सिम्टम है इसका, किसी के साथ विद्वेष नहीं है, अंदर में कोई आकांक्षा नहीं है, इसका सिम्टम के द्वारा जाना जाए। ओनली थ्रू सिम्टम यू कैन गेज, यू कैन नो, बट टोटली जब तक जीव ये त्रिगुण का सागर में अवस्थित है, हो सके कि त्रिगुण को काबू में लाया, फिर भी संपूर्ण रूप से लिंग भंगो होने का पहले, संपूर्ण रूप से लिंग देहो भंगो होने का पहले संभव नहीं। भगवत इच्छा के द्वारा लिंग भंग रूपा मुक्ति, भगवत इच्छा के द्वारा किसी का जिंदगी में ये संगठित हो गया, तब संभव है। इसका पहले जो है, इसका पहले लिंग शरीर रैप्चर करने का पहले ये निर्गुण भूमिका में है कि नहीं, इसका एक ही सिम्टम है, यो विद्वेष रोहित है कि नहीं, शत्रु मित्र बुद्धि है कि नहीं, विद्वेष परित्याग किया कि नहीं। और दूसरा पॉइंट है, ये आशा आकांक्षा का बाहर है कि नहीं पूरा। और ये जो देहो शक्ति प्रकाश, ध्यान देना, मैंने पहले भी चर्चा किया, जब सतोगुण का प्रभाव जमाए शरीर में, जब सतोगुण का प्रभाव जमे शरीर में, तो सत्व मतलब प्रकाश अर्थात ज्ञान का प्रकाश होना शुरू कर, तब सोचो ये सतोगुण का प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर, सतोगुण थिंग दूसरा दो गुण को कब्जा में लाया, थोड़ा बस में लाया, और विद्वेष परित्याग आकांक्षा रहित ये लक्षण के द्वारा जाना जाए। जब तक ना लिंगो सिर लिंग, जब तक ना लिंगो देहो भंग हो जाए, रैप्चर हो जाए, तब तक यही सिम्टम है। सतगुण प्रधान होने से शरीर का अंदर में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, और रजोगुण का प्रभाव फैलने से प्रवृत्ति, एंटरप्रेन्योरशिप प्रवृत्ति का बड़ा प्रवृत्ति का थोड़ा प्रभाव रहता है, प्रकृति प्रवृत्ति का प्रभाव। और मोह, जब किसी चीज में मन नहीं है, उल्टा समझना, ये काल करेंगे परसु नाना पर बाद में करें, हम नहीं करेंगे, ऐसा तमोगुण दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री मतलब काल करेंगे परसु करेंगे, अरे रहने दो आज, ऐसा करके जो भाव है, ये जो भाव है, ये तमगुण का भाव है, किस कुछ चीज करने का इच्छा नहीं, और जो भी करे तो उल्टा पूरा विपरीत है। तो प्रकाश प्रवृत्ति और मोह, इस बात को उठाने का मतलब है सतो रजो तमगुण का बारे में कुछ बोलने के लिए उठाया, क्योंकि सतो मतलब प्रकाश और रजो मतलब प्रवृत्ति और तमो मतलब मोह, ये तो है ही है, इफेक्ट को लेके बात कर रहा है। सतगुण का प्रभाव के द्वारा प्रकाश, रजगुण का प्रभाव के द्वारा प्रवृत्ति, और तमगुण का प्रभाव के द्वारा मोह, अर्थात इफेक्ट को लेकर चर्चा चल रहा है। सतो देहो सत्य प्रकाश प्रवृत्ति और मोह, सतरज तुम त्रिगुण से ही तीन ये भाव का उदय होता है, सतगुण से प्रकाश, रजगुण से प्रवृत्ति और तमगुण से मोह, ये तीनों उदित होता है।
अवश्य ही ये शरीर में अनुसूत रहता है, अर्थात हो सके कि सतगुण का प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन प्रवृत्ति मोह, प्रवृत्ति एवं मोह अर्थात रजो और तमगुण जरूर रहेगा, इसका भी प्रभाव रहेगा कम। शरीर का अंदर अनुसूत अर्थात शरीर का अंदर में स्वाभाविक रूप में प्रविष्ट है ये सब भाव, किंतु रहते समय भी हो सके कि प्रकाश प्रवृत्ति और मोह सतरज तीन गुण उदित होता है। किसका प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर तो भगवान जाने, जब जिसका होता है तो होने रहो, और ये त्रिगुण का प्रभाव के द्वारा, ये त्रिगुण का प्रभाव के द्वारा प्रकाश प्रवृत्ति और मोह ये चलते रहे, इसका सतरज शरीर का अंदर में ये तीनों का प्रभाव रह सके, रहे ये तीन गुण का प्रभाव रहे, इसमें कोई हर्जा नहीं। किंतु अवश्य ये देह शरीर में रहेगा ही रहेगा, किंतु इस सब सतरजतम गुण का प्रति कोई आकांक्षा भी नहीं है, शतगुण का लिए उसका अंदर में आकांक्षा भी नहीं है, और रजगुण के लिए प्रवृत्ति जो होता है ये भी नहीं है, कुछ नहीं है। किंतु क्या बताए, ये रहेगा शरीर का अंदर में, मन का अंदर में रहेगा, लेकिन ये सब के द्वारा अतः सतरजतम का प्रभाव है ये, इसके द्वारा इसका आकांक्षा का जागृत होना, इसका प्रति आकांक्षा द्वारा प्रवृत्त होना संभव नहीं है, ये न्यूट्रल रहता है। तीनों गुण का प्रभाव यद्यपि शरीर के अंदर में है, लेकिन ये न्यूट्रली न्यूट्रल पोजीशन में रहता है, इसका अंदर मानो कि लगता है तीनों गुण इसका ऊपर असर नहीं फेंक सकता, आकांक्षा नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, एवं देश के द्वारा हम जोर जबरदस्ती विदेश के द्वारा देश पावरफुली अपना जोर जबरदस्ती हम इस तीन गुण को हटाने का कोशिश करें, हे भाग जोर जबरदस्ती, भक्त मिट्टर कह रहे हैं ये त्रिगुण का प्रभाव रहे, ये त्रिगुण का प्रभाव शरीर के अंदर में रहे तो रहे, क्या करे, त्रिगुण अपना खेला करे, लेकिन इसका लिए इसके अंदर में कोई चाहत या तो विद्वेष कुछ नहीं बचा। ये सोचता है कि त्रिगुणों का बाहर हूं मैं, मेरा साथ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ शरीर पकड़ा, अपना कर्मफल के अनुसार त्रिगुण अपना आप त्रिगुण हमारा शरीर के अंदर प्रभाव जमाने दिखा रहा है मैजिक, लेकिन इसका लिए कोई मेरा कोई विद्वेष भी नहीं है, निवृत्ति करने का जोर जबरदस्ती प्रयास भी नहीं है, विद्वेष भी नहीं है, विद्वेष भी नहीं है, और जोर जबरदस्ती इसको निवृत्त करो ये भी चेष्टा नहीं है। ए लिंगो द्वय अर्थात त्रिगुण होते हुए भी न्यूट्रल रहना, और इसके बाद आकांक्षा नहीं करना, प्रवृत्ति नहीं करना, इसमें ओरिएंट नहीं हुआ, इन्वॉल्व नहीं होना, देश के द्वारा या प्रवृत्ति के द्वारा चेष्टा नहीं है जिसके अंदर में। ये दो प्रकार का सिम्टम लक्षण ये लिंग द्वय जिसका अंदर में देखा जाता है, ये जरूर त्रिगुण का भूमिका में है, ये जरूर त्रिगुण का भूमिका में है। भक्तिमत्ता कहेगी ये लिंग द्वय डू टू टाइप ऑफ सिम्टम्स, टू काइंड ऑफ सिम्टम्स इफ कैन बी सीन इनसाइड अ मैन, एक व्यक्ति के अंदर देखा जाता है तो ये जरूर निर्गुण भूमिका में है, और चेष्टा के द्वारा विशेष एफर्ट के द्वारा संसार का प्रवृत्ति और संसार को मिथ्या प्रतिपन्न करने के लिए वैराग्य का प्रकाश करना, वैराग्य अभ्यास करना, ये कभी निर्गुण का लक्षण नहीं है, याद रखना। किसी ने जोर जबरदस्ती वैराग्य को स्थापित करने का कोशिश कर रहा है, जबकि इसका मन त्रिगुण का अंदर है, इसका प्रभाव तो जरूर है, हृदय में फैला हुआ है, लेकिन ये जोर जबरदस्ती आउट ऑफ फोर्सफुली ये संसार प्रवृत्ति को हटाने का कोशिश कर रहा है, संसार को मिथ्या ये झूठा है ये जानने का कोशिश कर रहा है, ये जो इसका जो वैराग्य का अभ्यास करे, ये वैराग्य कदापि स्वाभाविक नहीं है,
इसका जो वैराग्य का जो ये ड्रामा है, इसका जो वैराग्य का जो ड्रामा है, अभ्यास प्रैक्टिस जो है, ये कभी निर्गुण नहीं है, ये गुणों का अंदर में ये दिखावा है, ड्रामा है। तो इसको स्वाभाविक नहीं माना जाए, इसको हम माने नहीं, इस ऐसा किस्म का बात देखे सिंटम, इसको गुणातिक भूमिका में इसका अवस्थिति नहीं है। अगर ऐसा लक्षण किसी के अंदर में देखा जाए तो ये गुणातीत भूमिका में जरूर नहीं है, ये चेष्टा करके कर रहा है वैराग्य अभ्यास करके, ये कभी निर्गुण भूमिका में नहीं है। अर्जुन तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, अर्जुन तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, गुणातीत व्यक्ति का आचार कैसा है, ये आचार कैसा है। भगवान उत्तर दिया है अर्जुन, यूं समझो, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है अर्जुन को, अर्जुन यूं समझो कि इसका आचार कैसा है, जो गुण सकल त्रिगुण इसका शरीर में है, मन और व्यवहार में इसका गुण सकल त्रिगुणा, ये गुणातीत अवस्था में जाने का कोशिश कर रहे हैं, वो स्वाभाविक वृत्ति है, वो जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, लेकिन अभी ऐसा स्थिति पैदा हो गया कि गुण सकल ये साधक जो है, जीवात्मा जो है, ये देख रहा है विचार कर रहा है, ये त्रिगुण मेरा शरीर में है, और शरीर में ये त्रिगुण होने का मन और व्यवहार में भी इसका यूटिलाइजेशन, इसका व्यवहार चल रहा है, ये त्रिगुण का, ये शरीर में त्रिगुण का अवस्थान है, और मन में भी इसका क्रियाक्रम चल रहा है, मन और व्यवहार में अपना अपना कार्य करते रहते हैं, और ये गुण गुली जितना सारे गुण है, सतरज तमगुण, ये अपना अपना काम करते रहे, हम अपना काम करें, ये अपना अपना काम करते रहे, हम अपना काम करें, हम मतलब जीवात्मा चिन्मय आत्मा, और ये अपना अपना काम करे मतलब ये सतरज तमगुण, ठीक है करने दो, ये अपना अपना काम करे, विचार करे, कुछ भी करे, तिनी ये गुण सकल गुणों को अपना अपना कर्म करने में छोड़ दिया है, और स्वयं इससे पृथक होकर मैं चिन्मय स्वरूप हूँ, ऐसे उलकर उदासीन होके इसमें, अर्थात ये जो प्रभाव जमा लिया ये त्रिगुण का, इसमें लिप्त नहीं होते, ये सोचते हैं कि त्रिगुण शरीर का अंदर में है, मन में है इसका प्रभाव, अपना अपना क्रियाक्रम करते रहे, लेकिन मैं संपूर्ण जुदा हूँ, मैं चिन्मय स्वरूप हूँ, उदासीन हूँ, इसमें लिप्त नहीं होते, अर्थात इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, गुणा गुणेशु वर्तन्ते हैं इति मत्वा न सज्जते बुधः। बुद्धिमान व्यक्ति सोचते रहते त्रिगुण, बुद्धिमान व्यक्ति सोचते रहते हैं ये त्रिगुण का काम प्रभाव, त्रिगुण कहते रहे ये शरीर को लेकर, लेकिन मैं तो शरीर भी नहीं हूँ, त्रिगुण मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं चैतन्य स्वरूप जीवात्मा हूँ। इनके जो देहोचेष्टा है, इसके द्वारा सुख दुख मान अपमान लष्टो पुस्तार कंचन प्रिय अप्रिय निंदा स्तुति सब शरीर का ऊपर आते रहते हैं। आई बात समझ में, ये अपना अपना आते रहते हैं, त्रिगुण का प्रभाव है, इट इज द अल्टीमेट रिजल्ट, त्रिगुण का विकार है ना, ये सुख दुख प्रिय अप्रिय निंदा स्तुति, ये अपना अपना काम करे आते रहे, कोई हर्जा नहीं है, ये शरीर का चेष्टा मन का चेष्टा करते रहे, किंतु इसमें समान दृष्टि रखते हुए शास्त्र, इसमें समान दृष्टि को रखते हुए स्वस्थ अर्थात चैतन्यस्थ टोटली एस्टैब्लिश इन चैतन्य, तुल्य ज्ञान कहता है ये समान है बराबर है, मान अपमान है, मान अपमान आदि जो है सुख दुख सारे को तुल्य ज्ञान समान बराबर है, ये बराबर सोचते हैं, ये इसका व्यवहार है।
इनके लिए तो सांसारिक व्यवहार के द्वारा इनके लिए तो सांसारिक व्यवहार के द्वारा जो मान अपमान शत्रु मित्रों ये सब होते रहते हैं, शत्रुता मित्रता जो कुछ भी है, ये समस्त लौकिक व्यवहार में लौकिक व्यवहार में आते रहते हैं। और चैतन्य संबंध में जागृत है, मैं चैतन्य भाव संपन्न, मैं चेतन जीवात्मा हूं, इसका साथ मेरा कोई तालुकात नहीं है। ये त्रिगुण का प्रभाव करते रहे, ये शरीर के ऊपर इसका असर है, करने दो इसको उसका काम, मैं चैतन्य वस्ती हूं, चैतन्य संबंध में इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा समझ के जो जीवन जिंदगी को गुजारते रहते हैं, ये इसका व्यवहार है देव चेष्टा। क्योंकि दूसरा क्वेश्चन कैसा, इसका आचरण कैसा, तो आई बात समझ में, आशक्ति और वैराग्य जितना प्रकार का है तहा परित्यक्त पूर्वक गुणातीत नाम प्राप्त होता है। आशक्ति या वैराग्य दोनों का एक भी नहीं है, ये प्रभाव से बाहर जाकर ये गुणातीत भूमिका को अटेंड करते रहते हैं। हे अर्जुन ये समझ लो, तुमने जो क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन किया तुमने, क्वेश्चन किया क्वैर लिंगैर त्रिणो गुणान एतानो अतीतोस्तु भवति प्रभो किम आचारः कथम चैतांश त्रिणो गुणानो अतिवर्तते। इसका उत्तर में भगवान क्या बोला, श्लोक को हम दोहराया, याद है आपका, भगवान ने कह दिया प्रकाशंच प्रवृत्तंच मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनो बदासीनो गुणैर्जन विचलते गुणावर्तन्तो इति एवं जो अवतिष्ठति न्यंगते शमो दुखो सुखो शस्त्वः शमो दुखो सुखः शस्त्वः शमो लोष्टास्मो कांचन तुल्लो प्रिया प्रियो धीरः स्तुल्यो निन्दात्मो संस्तुति मानोपमानयो स्तुल्यो मित्रारी पक्षयो। क्या बताया, मानोपमानयो स्तुल्यो मित्रारी पक्षयो सर्वारंभ परिस्वागी गुणातीत सौच्यते। तो कैसा करके, व्हाट इज द टेक्निक, क्या पद्धति के द्वारा, भगवान कह रहे हैं ये शरीर का अंदर में असर रहते हैं, त्रिगुण का व्यवहार में चलते हैं, चलो सांसारिक व्यवहार में चले, लेकिन ये टेक्निक ये है इसका बाहर जाने का, इसमें संपूर्ण निर्लिप्त होकर ये धीरे धीरे गुणातीत भूमिका में पहुंचना, ये टेक्निक है। क्योंकि तीसरा क्वेश्चन तो क्या था, तीसरा क्वेश्चन में भगवान ने बताया कि क्या टेक्निक है, क्या इसका कैसे ये मुख अमृत को कैसे ये जो टेक्निक है ये क्या है, है? तीसरा प्रश्न क्या था, गुणाती तो तत्व प्राप्ति का साधन क्या है, गुणाती तो एक गुणाती तो अवस्था का प्राप्ति, गुणाती तो अवस्था का प्राप्ति, ये जो गुणाती तो अर्थात त्रिगुण का बाहर जाना, अतीत भूमिका में जाने का जो टेक्निक है, ये प्राप्ति का साधन क्या है, इसका बारे में अभी चर्चा करके दिखाया।
ये कैसे कैसे बिल्कुल निरासक्त होके निर्लिप्त होके इसमें आशक्ति और वैराग्य दोनों का ही ठुकरा दिया। जब तक आशक्ति या तो वैराग्य का मसला वो ये रहे तब तक ये गुणातीत भूमिका में जा नहीं सकता। ये प्रैक्टिस का बात है, बहुत ध्यान से अभ्यास योग के द्वारा आशक्ति और वैराग्यों का जितना प्रकार का आरंभ है, आशक्ति और वैराग्यों का जितना किस्म का आरंभ है, ये सब को फेंक कर, ये सब को परित्याग कर कर गुणातीत तो नाम को प्राप्त कर सकता है, उसका पहले नहीं। क्योंकि शास्त्रों का विचार है, जब तक ये शरीर ये त्रिगुण का अंदर में है, अर्थात जब तक ये शरीर प्रकृति का शरीर जब तक नहीं छोड़ सकता, तब तक प्रकृति का गुण का प्रभाव थोड़ा और ज़्यादा कुछ भी होए शरीर का ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही। लेकिन इसमें उदासीन होकर रहना कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ, इसका साथ कोई मेरा ताल्लुकात नहीं है, ऐसा करके रखना, ये द्वितीय अध्याय का ये जो बताया था स्थित भोग्यस्य क्या भाषा बताया था ना, ये जो द्वितीय अध्याय का गीता का स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितोधि किं प्रभाषेत किं आसित ब्रजत किं। भगवान ने उत्तर दिया, प्रजोहाति यदा कामानो सर्वाणो पार्थो मनोगतानो आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। दूसरा उत्तर दिया भगवान, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुख सुखेषु विगत स्पृह भीतराग भय क्रोध स्थितोधिर मनिरुच्यते। एक ही है ना, ऑलमोस्ट एक है। आगे चलकर भगवान द्वितीय अध्याय में उत्तर दिया, यह सर्वत्रान अभिस यह सर्वत्रान अभिस्नेहो तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदंती न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। एक है ना, एक जैसा है ना। देखो, जो सब जगह समान दृष्टि करता है, यह सर्वत्र अनभिस्नेहो, किसी ऊपर इसका अटैचमेंट नहीं है, यह सर्वत्र अनभिस्नेहो तत्त प्राप्य शुभाशुभम, शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त करके टेंशन में नहीं गिरता है बिल्कुल। नाभिनंदंती कभी वंदना नहीं करते, गुस्सा नहीं होते, नाभिनंदंती नौदृष्टि विद्वेष नहीं करते, जो जिस विषय जिसका ऐसा स्थिति जिसका हृदय में जैसा स्थिति पैदा हुआ ये स्थित होकर। ऑफकोर्स सेवा का बारे में अप्राकृत जगत का गुरु वैष्णव कहा, यह अप्राकृत तो बेचैनी है सेवा करने के लिए, जल्दी करने के लिए, इसका साथ इसका तुलना नहीं किया जाए। जैसे राधानी का अंदर में टेंशन है, ये जोटिया जोटिला ना देख ले, इसमें कोई ये अप्राकृत जगत का टेंशन ये जरूरी है, ये नहीं होने से आनंद नहीं है, ये भी वन किस्म का एक किस्म का आनंद है। जैसे जंगल सफारी, जंगल में घूमने जाओ तो टेंशन लिया तो आनंद पाया, अगर जहाँ जितना टेंशन है पहाड़ी इलाका में, जैसे माउंटेनियरिंग लोग जो जितना रिस्क लेते हैं, जो जितना रिस्क है उतना ही आनंद है, थ्रिल है, थ्रिल इसको बोलता है थ्रिल, ये हर कोई का बस का काम नहीं है, वो तो मूर्छा जाए। हम जैसे गोमुख से गोमुख से फिर ऊपर गया कितना किलोमीटर, ये तो आप हैरान हो जाओगे, डर जाओगे। तो भगवान का कहना है, इतना सुंदर उत्तर देता है भगवान, जे भगवान कह रहे हैं कि स्थित पुग्ध का लक्षण सुनो, इसका बोलचाल कैसा है, उठना बैठना कैसा है सुन लो। प्रजो भगवान कह रहे हैं, प्रजोहाति यदा कामान सर्वाणो पार्थो मनोगतानो आत्मन्येवात्मना तुष्टः
सितो प्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृह वितरागभयक्रोधः सितोधीर्मनिरुच्यते यः सर्वत्र अनभिस्नेह स्तत्तत्प्राप्तो शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरति चायं कुर्मो अंगान्येव सर्वशः इंद्रियानीन्द्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कुर्म है ना कछुआ, कैसा कछुआ अगर उचित समझे तो अपना सारे इंद्रियों गम को अंदर कर लेते छट से। जदा संहरति, जदा संहरति चायम कुर्मो अंगान्येव सर्वशः इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ति निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोपास्यो परम दृष्ट्वा निवर्तन्ति निवर्तते। आई बात समझ में? कितना सुंदर, ध्यान देना। द्वितीय स्कंद में एक ही है जो ने व्याख्या किया, विषया विनिवर्तन्ति निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोपास्यो परम दृष्ट्वा निवर्तते जततो हि ओपिकन्तयो पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्यो युक्तो आशीतो मत्परः तानि सर्वाणि संयम्यो युक्तो आशीतो मत्परः सर्वे हि सॉरी तानि सर्वाणि संयम्यो युक्तो आशीतो मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता धयतो विशालपुंसः संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्थिति विभ्रमः स्थिति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् पुनश्यति। कैसा सुंदर। ऐसा करके दूसरा स्कंद में, दूसरा चैप्टर में, दूसरा अध्याय में ऐसा बारे में खुल्लम खुल्ला चर्चा हो गया था। अभी जो है ये बात को समझना है, बाकी आगे चलकर काल खुल्लम खुल्ला व्याख्या हो सकता जो इसका माने क्या है। आज इतना तक रहने दो। 22, 23, 24, 25 जो है जो भी हो गया अभी इतना तक चर्चा हो पाया आज इसी तक कथा को विश्राम देने की इच्छा। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशम्भमान्ते मनुष्यमर्थतो मनित्वमपि हो धीरः तूर्णं यतेतन पतेद अनुमित्तु यावत् निःश्रेयसायो विषयः खलु सर्वतो स्वात् वाञ्छकल्पतरुवस्य के बाद सिन्धु व्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो वैष्णवभ्यो नमो। हाँ एक्चुअली माउस नीडल नॉट वर्किंग यस माय हेल्थ इज नॉट गुड एक्चुअली व्हाट टू डू का वेरी वीक। हाँ ओके आई कैन ट्राई टू कंप्लीट माय टू आवर सरिकाता नेक्स्ट सरिकाता आई कैन ट्राई माय बेस्ट इट इज माय सेवा। ओके यू ट्राई टू ड्रॉप कप ओके धन्यवाद। हाँ हाँ।